अब मोसिस का समझो, ब्रायोप्सिडा का समझो, ये मोसिस का एक स्पोर है, एक स्पोर जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस होती है और फोटोसिंथेसिस करने की औकात रखती है, ठीक है। अब इस प्रोटोनीमा से बनता है, सपोज दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, तो इधर से निकलता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो गया। सेकेंडरी प्रोटोनीमा की एक लेटरल बड होती है, उस लेटरल बड से निकलती है मेरे पास क्या, लीफी स्टेज। तो ये मेरे पास गैमेटोफिटिक बॉडी की ही लीफी स्टेज आ गई। ये पूरी की पूरी बॉडी फ्यूनेरिया की कैसी है, गैमेटोफिटिक बॉडी है। अब इसके ऊपर क्या है, मेरे पास आर्किगोनिया है, फ्लास्क शेप का आर्किगोनिया, ठीक है। एंथी, इसके अंदर एग है, आर्किगोनिया के अंदर एग है, ठीक है। एंथीरोजोइड तैर के आए फीमेल तक, यहां पे अब क्या होगा, यहां पे अब बाद में जाइगोट बनेगा और जाइगोट से पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी। अब ये स्पोरोफिटिक बॉडी जो है बेटा, ये डिपेंडेंट है गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर पूरी पूरी, यस। ये क्या है, फुट, ये क्या है, सीटा, ये चीज क्या है, कैप्सूल, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, दिस पूरी की पूरी इज स्पोरोफिटिक बॉडी। अब ये मियोसिस करके स्पोर बनाएगी, स्पोर जब रिलीज होंगे तो यही स्पोर जो रिलीज हुआ है ये आगे चल के क्या बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा जर्मिनेट करने के बाद,